हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियमितीकरण को लेकर। क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियमितीकरण को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ। उदय प्रताप से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और स्थायी करने को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लाइव वार्ता में दिखाने वाला हूँ आपको। आप वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें अपडेट पाने के लिए। नरसिंहपुर के गाडरवारा प्रवास पर आए स्कूल शिक्षा परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्षतिग्रस्त स्कूल भवन पर कहा कि कई पुराने भवनों की अवस्था पूरी हो गई है, उन्हें नए बनाना चाहिए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने स्कूल भवन निर्माण को प्राथमिकता के तौर पर रखा है, हम नए भवन बनाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी अहम भूमिका निभाता है, बच्चों का भविष्य गढ़ने में बेहद मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा कि पिछले साल 10 अगस्त को नियुक्तियां हुई थी, इस बार 1 अगस्त से अतिथि शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा लापरवाही पर मंत्री ने कहा कि शिक्षक सम्मानीय हैं, पर उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षक की सैलरी थाना प्रभारी के बराबर है, तो जब पुलिस काम कर रही है तो आपको भी कहीं ना कहीं सहयोग करने की जरूरत है। जो शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको खुद सतर्कता से व्यवस्था में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही शिक्षक पर होने से समाज को ठीक संदेश नहीं जाता। और क्या बोले स्कूल शिक्षा मंत्री, सुनिए। सहमत हूं, और ये साइकिल है जो भवन आज के 50 साल पहले बने थे, उनको अब उनकी अवस्था पूरी हो गई, उनके नए भवन को बनना चाहिए। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार ने उनको प्राथमिकता के क्रम में रखा है। हम भी मतलब सैकड़ों भवन बनाने के नए बनाने भवन बनाने की स्थिति में है और वो बनाने भी जा रहे हैं। क्या होता है, राज्य बहुत बड़ा है और 1,30,00,000 के आसपास विद्यार्थियों का प्रबंधन इस राज्य में होता, जिसमें 86 से 88 लाख बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 30-32-35 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में। मतलब आप ये कह सकते हो कि 25 से 30% बच्चे प्राइवेट सेक्टर पढ़ने जाते हैं, बाकी 70 से 75% बच्चे जो है वो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं। दबाव तो रहता है, लेकिन इसके बाद भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बेहतर कर सकता है वो प्रयास कर रहा है। अभी हम लोग उन स्कूलों को पहले प्राथमिकता से नए भवन और अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति देने वाले हैं जो सीएम राइज के कैचमेंट एरिया से पेरिफेरी से बाहर है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र का सीएम राइज 8 से 10 किलोमीटर के बच्चों को उठा लेगा। वहां के स्कूल्स समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से उनको हम बंद करेंगे। शहरी क्षेत्र में मुझे लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर एरिया के बच्चे जो है वो सीएम राइज में जाएंगे, क्योंकि हम उनको आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सब करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो सीएम राइज की परिधि से बाहर के स्कूल हैं और कमजोर स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण है, उनको करने का हम काम कर रहे हैं। खासकर जैसे मंडला और बालाघाट जैसे राज्यों में, जिलों में, ट्राइबल एरिया में हमारे कुछ शालाएं ज्यादा स्थिति खराब है उनकी, वहाँ हम प्राथमिकता के आधार पर मतलब वनांचलों में और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वहाँ हम लोग उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको कवर करने का हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जितने सख्त कार्रवाई पिछले 6 महीने में हुई है राज्य में पहले कभी नहीं हुई। इसमें केवल सावधानी इस बात की हमको रखनी पड़ रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के भविष्य के निर्माण को गढ़ने में। हम केवल आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खराब है या गलत काम कर रहे हैं, इसमें केवल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अभी तक कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं थी, कोई मैकेनिज्म नहीं था, पोर्टल कमजोर थे, इसके कारण विसंगतियों की गुंजाइश बढ़ती थी। अब हम ऑनलाइन पोर्टल इतने अच्छे तैयार करने जा रहे हैं कि जब स्कूल प्रबंधन उस पर अपनी चीजों को अपलोड करेगा तो गलत चीज तुरंत पकड़ में आएगी, अच्छी चीजों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो हम लोग डिजिटल उसके ऊपर जा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था अगले 6 महीने में आपको अंतर समझ में आएगा। पिछले साल 10 अगस्त में अतिथियों की नियुक्तियां हुई थी, इस साल हम 1 अगस्त से चालू कर रहे हैं। हम हर चीज को पहले से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दायित्वों की बात है, चुनाव आदि की कुछ चीजें छोड़ दी जाए तो जिस वेतन पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, शिक्षक हमारे गौरव का विषय है,
श्रद्धा का केंद्र शिक्षक है, गुरु के रूप में हम उनको मान्यता देते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा पुलिस में काम करने वाला जो टीआई है उसकी सैलरी हमारे शिक्षक के बराबर है। वो भी तो 18 घंटे परिश्रम कर रहा है और लगातार ड्यूटियां बदल के उसकी सिपाही हमारा, वो भी हमारी सिपाही जो महिलाएं हमारी पुलिस में काम कर रही, तो ये समझना पड़ेगा हमको कि सरकार की आप प्राथमिकता के क्रम में हो, आदर में आप प्राथमिकता के क्रम में हो, समाज में आपका जो मान्यता है वो बहुत उच्चतम स्तर पर है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े कमिटमेंट के साथ में सहयोग करने की आवश्यकता है, उनको करना चाहिए। और 80% हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो इस बात में पूरी ताकत से बच्चों के भविष्य के निर्माण में, शासन की व्यवस्था में सहयोग करने के मामले 80% लोग पूरा परिश्रम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि 15-20% की गुंजाइश हर क्षेत्र में है, यहाँ पर भी है, उन पर ही हम काम कर रहे हैं, और वो बेहतर करने लगे तो समझ लो राम राज आ जाए।